अब आप अपनी किताब के बारे में भी बताइए कि मुझे ये बताइए कि कितना टाइम लगा आप और ये आपने कैसे सोचा कि अब किताब आनी चाहिए आपकी। अच्छा, मैं ना अपना नोवेल लिख रही थी, मतलब मैंने लिखा हुआ था, उसके सेकंड ड्राफ्ट पे मैंने काम करना शुरू किया था। ये किताब पता नहीं किस तरह से ये वजूद में आ गई, मुझे खुद भी नहीं पता कि एक्सीडेंटली नहीं आ जाती कोई चीज़, धक्के से आ जाती। हाँ, है ये धक्के से आई, अचानक से हमने भी अचानक ही देखा है, हमें भी कोई सुनबुद मिली नहीं थी कि कमिंग सून या क्या, या कहीं से भी कोई भनक नहीं पड़ी कि आपको किताब लिख रही, अचानक से आ गई। अच्छा, मेरी एक स्ट्रेटेजी भी है कि मैं जब प्लान करी होती ना कोई चीज़ तो मैं बताती नहीं एडवांस में, तो आपके पेट में रह कैसे जाती है? बस मेरे पेट में रह जाती है, क्योंकि मेरा पेट छोटा है। क्योंकि मैं तो जब तक 10 लोगों को बता ना दूँ ना फोन कर करके, अच्छा पता है क्या मेरी ये चीज़ ना फला जगह लगने वाली है या ये वाली किताब आने वाली है, क्योंकि फर्जी नाम आने से 6 महीने पहले 4 महीने पहले सबको पता चल गया था कि फर्जी नाम आने वाली। कैन यू बिलीव कि मेरे पेरेंट्स तक को नहीं पता था, मेरे भाई को नहीं पता था, मेरे भाई को उस वक्त पता चला है कि जब मेरी बुक आ गई है और उसने कार्टन रिसीव किया। किताब दिखाएं ना अपनी आप, प्लीज़ हमें। ये लीजिए, वैसे देखी हुई है आपने? जी देखें, कितनी प्यारी किताब है, कलर्स अच्छे, इसके ये जो कलर वगैरह था ये भी आपने सिलेक्ट किया? ये मेरे जहन में आ रहे थे, मुझे ना सनसेट बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। सब डे मैं कोई कैलीग्राफी कर रही होती हूँ, कुछ पेंटिंग, तो भी मेरे ना ये कलम से यही वाले कलर्स निकलते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता, ये मुझे लगता है सोल्स कलर ना, मतलब जैसे रूप के कुछ रंग होते हैं ना अंदर से निकलते हैं। सही। अच्छा, ये मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे किसी ने ये जो इश्क़े तू लिखा हुआ है ये ऐसे हाथ से ही किसी ने लिखा है? ये हाथ से ही है, ये पूरा कवर भी उसने हाथ से डिजाइन किया है। अच्छा। सहरे शनीफ हैं, मुमताज मुफ्ती ग्रुप में वो मेरे साथ, मतलब वो अच्छी कारी भी थी, लिखती भी हैं। ये कौन है? है। अच्छा, मैं बता देती हूँ ना कि ये है किस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली नसर है, डिफरेंट जो है मज़ामीन है मेरे, जो ऑलरेडी मैंने सोशल मीडिया पर भी जो है पोस्ट किए हुए थे। तो ये बेसिकली ना इट्स अ जर्नी, इट्स अ डिस्कवरी, ये ना मेरी खुद की डिस्कवरी थी। मैं खो गई थी और खुद को ढूंढना शुरू किया, तो वो लिखने से ही हम राइटर्स क्या कर सकते हैं, लिखने के अलावा खुद को ढूंढते ढूंढते पता ही नहीं चला कि ये अल्लाह के साथ किस तरह का कनेक्शन डेवलप हो गया। और यहाँ पर मैं एक बात बताऊँगी, कुछ लोगों के बड़े क्लेम थे मेरी बुक पढ़ने से पहले ही कि मज़हब पे कुछ लिखा है या कुछ उस पर, तो मैं बताऊँगी मेरी किताब में मज़हब नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, अल्लाह के साथ जो कनेक्शन है ना, उसके लिए मज़हब का मोहताज भी होना। सही बात है, ठीक है, ये किसी का भी कनेक्शन हो सकता है, वो आपका क्रिएटर है, आप उसका हिस्सा हो। आप उसका हिस्सा ना हो तो आप अपने हिस्से से किस तरह अलग हो सकते हो? सही बात। आप कितने ही दूर क्यों ना चले गए, कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो गए, माँ की वैल्यू तो नहीं ख़त्म हो सकती ना, तो इसी तरह रब की कैसे हो सकती है? तो ये मेरी और अल्लाह की ना जैसे कम्युनिकेशन है आपस में, और बाज़ अवकात में कि बहुत बोल्ड भी होगी हूँ कहीं। तो इश्के तू बस एक तहरीर में लिख रही थी, इश्के तू, तो उसी तहरीर की वजह से मैंने नाम जो लिखा। तो वही तहरीर आप जो सुनाते हैं।